से बोले कि 200 रुपये रोज हफ्ता वसूली लेंगे, यहाँ रेड़ी लगाएगा। तो बोला कि मैं गरीब आदमी, मैं 200 रुपये रोज आपको कहाँ से दूंगा? 300-400-500 रुपये मैं कमाने वाला अपने बच्चों को पालूंगा कि आपको 200 रुपये रोज दूंगा? यहाँ से फिर मैंने कहा तो हटा ले, मैंने हाथ से हटाई, 20-25 लोग आ गए और मेरे को धमकाया इन्होंने, रेडी फिर लगा दी इन्होंने, मेरी बेटा रेडी हटा रास्ते से जी। इन्होंने आके मुझ पर हमला किया, देखो मेरे ये चोट लग रही है, फटा पड़ा यहाँ पे अंदर चोट है ऊँखा में। बल्लभगढ़ में एक बार फिर लाठी डंडों से मारपीट होने का वीडियो वायरल हुआ है। घटना सोमवार सुबह 11 बजे बल्लभगढ़ की बड़ी सब्जी मंडी की है, जहां रेहड़ी चालकों को लात घूसी तथा लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। हालांकि रेहड़ी चालकों ने कल अपने साथ लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं की शिकायत आदर्श नगर पुलिस थाने में दी थी, लेकिन पुलिस ने दी गई शिकायत पर कोई कार्यवाही करना जरूरी नहीं समझा, जिसका खामियाजा रेहड़ी वालों को उठाना पड़ा। आढ़तियों ने सब्जी विक्रेताओं के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। अगर पीड़ित घायल की माने तो पूरा मामला रेहड़ी वालों से पैसे वसूली करने के लिए रेहड़ी लगाने वाले लोगों के बीच खौफ फैलाने के लिए किया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि दुकानदार उनसे रेहड़ी लगाने के नाम पर रुपए मांगते हैं और रुपए ना दिए जाने पर उनको धमकी देते हैं तथा उनके साथ मारपीट करते हैं। मेरा नाम कल्लू है जी। ये मामला ये था सर कि कल जो कैम आरती है दुकान नंबर 113, ये आके कहता है हमारी रेहड़ी पे कि 200 रुपये रोज हफ्ता वसूली देना पड़ेगा जब आपकी रेहड़ी लगेगी यहाँ पर, और आप 200 रुपये रोज हफ्ता वसूली नहीं दोगे तो आपकी रेहड़ी नहीं लगी जाएगी, आपके संग में जो करा जाएगा वो हम करेंगे। वो मेरे दो मेरे भाई थे, वो एक जो रेहड़ी लगाता है उसका नाम है रईस, उसके पास ये कल आए थे, उससे बोले कि 200 रुपये रोज हफ्ता वसूली लेंगे, यहाँ रेहड़ी लगाएगा। तो बोला कि मैं गरीब आदमी, मैं 200 रुपये रोज आपको कहाँ से दूंगा? 300-400-500 रुपये मैं कमाने वाला अपने बच्चों को पालूंगा कि आपको 200 रुपये रोज दूंगा? ऐसे रेहड़ी तो मंडी में सारी लगती है, बहुत रेहड़ी लगती है जी, और बहुत रेहड़ी वालों से किराया लिया जाता है। विरोध करता तो उसके संग में मारपीट करी जाती है, उसको धमकी दी जाती है कि तुझको यहाँ रेहड़ी ध्यान देंगे नहीं। बल्लमगढ़ की मंडी है, बल्लमगढ़ सब्जी मंडी बड़ी मंडी की है, दुकान नंबर 113 का आरती है। हमने पुलिस को FIR भी लिखा दी, और तो रात को इसका एक भाई भी आया था, बोला कि तुमने ये मतलब एफआईआर दर्ज कराई है, कल इसका आप वो देखना मजा, इसका कल मजा देखना, कंडीशन पे चला भी नहीं जा रहा, इस टाइम हॉस्पिटल में भर्ती है वो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मारपीट के वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता वीडियो में मारपीट करता दिखाई दे रहे आड़ती खेमचंद के जब पास पहुंचे तो आड़ती ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मेरे साथ भी पहले मारपीट हुई है, इसलिए मैंने घर से लड़के बुलाए थे, अगर मैं अपने लड़के नहीं बुलाता तो मेरे साथ ज्यादा मारपीट हो जाती। लेकिन इसकी असली हकीकत क्या है यह तो पुलिस जाँच के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा। खेमचंद, ये गलत तरीका है, मैं कल अकेला था 11 बजे बाती दिन में जी, इन्होंने मैंने कहा रेडी रास्ते से हटा ले, मैं सूट ले जाता जी, उन्होंने हटे रेडी यहाँ से जी, फिर मैंने कहा तो हटा ले, मैंने हाथ से हटाई, 20-25 लोग आ गए और मेरे को धमकाया इन्होंने, मैं अपने चुपचाप घर चला गया, और आज सुबह मैं दुकान पर था, ये पहले आए रेडी फिर लगा दी इन्होंने, मेरी बेटा रेडी हटा रास्ते से जी, इन्होंने आके मुझ पर हमला किया, देखो मेरे ये चोट लग रही है, फटा पड़ा यहाँ पे अंदर चोट है ऊँखा में। कोई बोलता नहीं, अगर मैं अकेला रह जाता, अगर ये बंदे सुबह जो मेरे को मारने का आए वो तो मैं चलो मैं घर फोन कर दिया, बच्चे बुला लिए अपने भी, तो शिकायत देने आए थे अभी, पुलिस कार्रवाई करेगी, वेरिफिकेशन दिए इनको हमने। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही ये वायरल वीडियो बल्लभगढ़ की बड़ी सब्जी मंडी की है, जहां पर कुछ नौजवान हाथों में लाठी डंडे लेकर रेहड़ी को पीटते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि सरेआम दिन के 11 बजे इस वारदात को अंजाम देने वाले इन हमलावरों के इतने हौसले बुलंद क्यों हैं, जिनको ना पुलिस का कोई खौफ है और ना ही कानून का डर। दरअसल मामला अवैध उगाई से जुड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले लोगों से स्थानीय दुकानदार पैसों की मांग करते हैं और पैसे ना दिए जाने पर उनके साथ आए दिन मारपीट और जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। आज भी मंडी में कुछ ऐसा ही हुआ और कुछ लोगों ने रेहड़ी लगाने वाले लोगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा, ताकि वो अपना खौफ दिखाकर आराम से अवैध वसूली कर सके। फिलहाल सरेआम की गई इस मारपीट की शिकायत पीड़ित रेहड़ी वालों द्वारा पुलिस को दे दी गई है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है, या रेहड़ी वालों को इनके आतंक से छुटकारा मिल सकेगा, या फिर रेहड़ी वालों के बीच आरोपी दुकानदार अपना खौफ जमाने के लिए यूं ही मारपीट करते रहेंगे। हरियाणा प्रदान के लिए बल्लभगढ़ से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।